हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप पुराने वीडियोस को देख रहे होंगे। तो यदि आप पुराने वीडियोस को देख रहे हैं तो आगे को आपको वीडियोस जो हैं वो क्लियरली आपको समझने में थोड़ा सा कंफर्टेबल फील होगा। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। ठीक है, इससे पहले हम एक वीडियो अपलोड किए थे एनएमआर के अंदर, केमिकली इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन का वीडियो था। ठीक है, तो देखिए मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन क्या होता है, उसके लिए थोड़ा सा मैं केमिकली इक्विवेलेंट में आता हूं। तो आपने जैसे ये एक एग्जांपल है, भैया देखिए ये ना ओ एच 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 एंड ये सपोज आपने क्लोरीन रख दिया इसमें, चलिए ठीक है, ये कंपाउंड है। इस कंपाउंड में ये जो दो प्रोटॉन है इन दोनों का केमिकल एनवायरमेंट क्या है आपका, सेम। तो ये दोनों प्रोटॉन क्या कहलाएगा आपका, केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन कहलाएगा। जिनका केमिकल एनवायरमेंट सेम होता है वो क्या कहलाता है आपके, या इलेक्ट्रॉनिक एनवायरमेंट सेम होता है, दे आर कॉल्ड एज केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। ठीक है, और जो केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन होते हैं पीएमआर के अंदर एक कॉमन सिग्नल को अपीयर करते हैं। ठीक है, ऐसी ये जो दो प्रोटॉन है एचबी एंड एचबी, आप इतना जानते होंगे, इन दोनों का एनवायरमेंट बिल्कुल सेम है। ये भी आपका एडजेसेंट पे क्लोरीन है, यहां से भी एडजेसेंट पे क्लोरीन है। ठीक है, यहां से भी सेम एनवायरमेंट है। तो ये दोनों क्या है, आपस में केमिकली इक्विवेलेंट है, ये दोनों आपस में केमिकली इक्विवेलेंट है। और एक सिग्नल आपका इसका भी होगा, एच सी होगा भी आपका। ठीक है, तीन टाइप के हमारे पास प्रोटॉन है, तो तीन पीएमआर सिग्नल दिखाएगा भैया ये। देन केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, सिमेट्री कंसेप्ट से भी आप कभी कभी समझते हैं। तो यहां से जब मैं प्लेन पास कर दूंगा तो प्लेन के रिस्पेक्ट में एक हाफ दूसरे हाफ का यदि क्या है आइडेंटिकल इमेज है तो वो दोनों प्रोटॉन भी क्या कराएंगे, केमिकली इक्विवेलेंट। ठीक है, जैसे आपने ये आपका सिग्मा प्लेन आपने पास किया है तो इस प्लेन के रिस्पेक्ट में ये और ये मिरर इमेज है, ये और ये मिरर इमेज है, तो ये दोनों इक्विवेलेंट, ये दोनों केमिकली इक्विवेलेंट। ठीक हो गया। देन कुछ और एग्जांपल पे आते, देखे ये सपोज हमारा कंपाउंड है, चलिए सीएल या चलो कोई भी ले लो, क्लोरीन ही ले लो, चलो सीएल सीएल सीएल, ठीक है ना। देन यहां पे एच एच एंड एच, ठीक हो गया, या चलो इसको फ्लोरीन ले लेते हैं भी आपका। ठीक है, तो इसमें ये दोनों प्रोटॉन, ये आपने प्लेन यहां से पास किया तो प्लेन के रिस्पेक्ट में एक हाफ में प्रेजेंट हाइड्रोजन, दूसरे हाफ में प्रेजेंट हाइड्रोजन का मिरर इमेज है, ये दोनों इक्विवेलेंट हो गए फिर एक दूसरे के, और ये आपका प्लेन पास कर दिया तो ये दोनों इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं, ये आपका केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन। यहां पर फ्लोरीन भी आपका स्पिन एक्टिव न्यूक्लियर है तो ये भी अपना सिग्नल अपीयर कर सकता है। देन ऐसी और एग्जांपल आप देना चाहें तो ये देखे सीएसई सीएच टू, चलो इसको ऐसे लिख लें सीएस टू सीएल। इस कंपाउंड में दो टाइप के हमारे पास केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन है भैया। ठीक है, जनरली हम इसको रिप्रेजेंट करें तो ये ऐसे हुआ ना, ये कार्बन है एच ए एच ए एच ए, टेट्राहेड्रल फैशन पे शो करेंगे एच बी एंड ये क्या हो गया आपका सीएल। तो अब आपको लग रहा है कि इन दोनों का एनवायरमेंट क्या है, सॉरी इन तीनों प्रोटॉन का यहां पर से एनवायरमेंट क्या है, डिफरेंट। आपको ऐसा लग रहा है कि एच ए आपका सीएल के रिस्पेक्ट में क्या है, सेम साइड जैसा लग रहा है, ये अपोजिट लग रहा है, लेकिन यहां पे कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड के रिस्पेक्ट में रोटेशन होगा ना, कंफर्मेशनल आइसोमेरेज यदि आप पढ़े होंगे तो रोटेशन होगा, तो आपका सारे हाइड्रोजन का एनवायरमेंट क्या होगा आपका, यहां से आपका क्या होगा बिल्कुल आइडेंटिकल हो जाएगा, इसलिए तीनों इक्विवेलेंट कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप कह सकते हैं ये दोनों हाइड्रोजन भी क्या होंगे आपके सिग्मा बॉन्ड के रिस्पेक्ट में रोटेशन के कारण ये दोनों इक्विवेलेंट, ये तीनों इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये कितने पीएमआर सिग्नल दिखाएगा कंपाउंड आपका, टू पीएमआर सिग्नल अपीयर करेगा भी आपका। ठीक है, ऐसे ये कंपाउंड ले लेते हैं, चलिए देखिए, चलिए आप ये ले लीजिए सीएसटी सीएसटी। इस कंपाउंड में आपके छह के छह प्रोटॉन का आपका क्या होगा भैया, जो एनवायरमेंट है वो बिल्कुल क्या है, आइडेंटिकल है। ठीक है ना, सिग्मा बॉन्ड के रिस्पेक्ट में रोटेशन करेंगे तो जैसे ये तीन हाइड्रोजन का एनवायरमेंट वैसे ही इनका भी एनवायरमेंट, तो छह के छह का एनवायरमेंट सेम है तो एक सिंगल पीएमआर सिग्नल अपीयर करेगा। ठीक है, ऐसे ही देखिए सी डबल बॉन्ड सी
Cl, H, H and Cl, ये कंपाउंड है। इस कंपाउंड में आपका क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, ये दिख रहा है। तो ये दोनों हाइड्रोजन सेंटर ऑफ सिमेट्री से रिलेटेड है, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, आपस में केमिकली इक्विवेलेंट कहलाएंगे भी है। ठीक है, मैंने कहा जो सिमेट्री एलिमेंट से रिलेटेड होते हैं, जैसे ये दोनों है, या आपका सिमेट्री एलिमेंट से रिलेटेड ये दोनों थे, या ये दोनों थे, या यहां पे ये दोनों थे, तो सिमेट्री एलिमेंट से भी आप यहां पे क्या है, एक्सेस के रिस्पेक्ट में रोटेशन कर रहे हैं, तो सिमेट्री एलिमेंट के रिस्पेक्ट में भी यदि कोई प्रोटॉन आपका क्या है सिमिलर, आपका क्या है एवरेज सिमिलर एनवायरमेंट में आ रहे हैं, तो आपका क्या है वो भी आपका केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन है। ठीक है, नॉर्मली वैसे हम कहें तो जिनका इलेक्ट्रॉनिक एनवायरमेंट या केमिकल एनवायरमेंट सेम, वो कहलाते हैं केमिकली इक्विवेलेंट। ठीक, अब आते हैं, देखिए मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन के कंसेप्ट पर आते हैं। तो देखिए, चलिए हम इस एग्जांपल से शुरू करते हैं। CH3 है, इसमें सारे प्रोटॉन आइडेंटिकल हैं। ठीक है, तो 6 प्रोटॉन आपस में केमिकली इक्विवेलेंट हैं ये। ठीक है, तो किन्हीं प्रोटॉनों के आपस में जो केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, ठीक है, अच्छा यहां से शुरू करें, इस एग्जांपल से आओ तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। देखिए ये प्रोटॉन है भैया HB प्रोटॉन, ये HB प्रोटॉन, दोनों का केमिकल एनवायरनमेंट सेम है, तो इन दोनों प्रोटॉन का एक कॉमन केमिकल शिफ्ट आएगा, सेम वैल्यू आएगा केमिकल शिफ्ट का, या एक कॉमन सिग्नल आएगा जो भी कहते हैं, तो सेम केमिकल शिफ्ट दिखाएंगे तो ये केमिकली इक्विवेलेंट हो गए। लेकिन इस प्रोटॉन के का इसके साथ यदि हम क्या करेंगे, कपलिंग करेंगे, तो इसका इसके साथ जो कपलिंग होगा, उस समय जो कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू आएगी, उसी सेम प्रोटॉन के साथ इसका कपलिंग कर लो तो सेम आएगा क्या, नहीं, इसके रिस्पेक्ट में ये पैरा है, इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो है। ठीक है, या ये करोगे 1, 2, 3 सिग्मा बॉन्ड से सेपरेटेड है, तो यहां J3 कपलिंग है, वहां 1, 2, 3, 4, 5 पांच बॉन्ड से सेपरेटेड है, तो यहां J5 है आपका। ठीक है, तो ये कहता है कि आपका कोई भी ऐसे दो केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स जिनका सेम केमिकल शिफ्ट होगा, ठीक है, तो वो केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, ये तो ठीक है, लेकिन किसी थर्ड प्रोटॉन के साथ, कोई नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन है कोई तीसरा, उसके साथ सेम कपलिंग करने की टेंडेंसी नहीं रखते हैं, या सेम कपलिंग कॉन्स्टेंट की वैल्यू को एग्जिबिट नहीं रखते हैं, तो उनको कहा जाता है आपका मैग्नेटिकली क्या है, नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन, वो भी मैग्नेटिकली नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन हो गया। हमने कहा कि ये दो प्रोटॉन आपस में केमिकली इक्विवेलेंट थे, लेकिन किसी तीसरे कॉमन प्रोटॉन के साथ, क्या यदि मैं इस पर्टिकुलर प्रोटॉन के साथ कपलिंग करना चाहूं, तो ये इसका जो कपलिंग होगा इसके साथ, और इसका जो कपलिंग होगा इसके साथ, उस क्या है कंडीशन पे आपका कपलिंग कॉन्स्टेंट की जो वैल्यू आएगी वो डिफरेंट आ रही है, तो वो आप कहलाता आपके मैग्नेटिकली नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन। ठीक है, बाय चांस दो प्रोटॉन केमिकली इक्विवेलेंट है किसी तीसरे प्रोटॉन के साथ जो नॉन इक्विवेलेंट है इन दोनों से, उसके साथ सेम कपलिंग कांस्टेंट शो कर रहे हैं, तो वो कराएंगे मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट। जैसे उसका एग्जांपल ये देखते हैं, देखिए ये है भैया, ये प्रोटॉन है, क्यों क्या ये प्रोटॉन है, ये दोनों केमिकली इक्विवेलेंट है, लेकिन इसके एडजेसेंट पे फ्लोरीन, इस पर एक्टिव न्यूक्लियाई है, तो इसके साथ ये जो कपलिंग शो करेगा, इसके भी जो रिस्पेक्ट में ये एडजेसेंट ही है ना, तो ये भी उसके साथ क्या करेगा, सेम कपलिंग शो करेगा। तो जितना कपलिंग कांस्टेंट HA का फ्लोरीन के साथ स्प्लिटिंग कपलिंग करने से आएगा, उतना ही कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू HA इस HA का इस फ्लोरीन के साथ कपलिंग करने से आएगा, या स्पिन स्पिन कपलिंग करने से आएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है ना, तो कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू दोनों प्रोटॉन ने क्या किया गया, दोनों केमिकल इक्विवेलेंट थे, किसी थर्ड नॉन इक्विवेलेंट जो प्रोटॉन था या नॉन इक्विवेलेंट स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई था, उसके साथ सेम कपलिंग कांस्टेंट शो कर रहे हैं, तो वो कहलाएंगे मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। ठीक है, तो ये दोनों प्रोटॉन मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट है क्योंकि ये दोनों आपस में केमिकली इक्विवेलेंट हैं और किसी थर्ड स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई के साथ सेम कपलिंग कांस्टेंट शो करते हैं, तो ये दोनों का रिलेशनशिप क्या कहलाएगा भैया, केमिकली इक्विवेलेंट एज वेल एज मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। ठीक है, कितनी बात समझ आया ना, लेकिन यहां पर ये दोनों प्रोटॉन केमिकली इक्विवेलेंट है, ठीक है ना, ये दोनों प्रोटॉन आपस में केमिकली इक्विवेलेंट है HB प्रोटॉन, लेकिन मैं इन दोनों प्रोटॉन का इसके साथ क्या है कपलिंग कराता हूं, तो इससे काफी नजदीक है तो ये कुछ और कपलिंग शो करेगा, इससे काफी दूर है तो ये बहुत कम, या मतलब ये कहेंगे इससे
डिफरेंट कपलिंग वैल्यू हुआ आपका क्या करेगा सो करेगा। ठीक है, तो ये दोनों केमिकली इक्विवेलेंट है लेकिन किसी थर्ड स्पिन एक्टिव न्यूक्लियर के साथ सेम कपलिंग कॉन्स्टेंट को एग्जिबिट नहीं कर रहे हैं, तो ये कहलाते हैं आपका मैग्नेटिकली नॉन इक्विवेलेंट। तो यहां से एक कंक्लूजन आया कि केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन जरूरी नहीं है कि मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट होंगे। ये दोनों प्रोटॉन केमिकली इक्विवेलेंट है लेकिन ये दोनों प्रोटॉन आपस में मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपका किसी थर्ड जो नॉन इक्विवेलेंट स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई है उसके साथ सेम कपलिंग शो नहीं कर रहे हैं, इसलिए क्या है मैग्नेटिकली नॉन इक्विवेलेंट। ये दोनों प्रोटॉन केमिकली इक्विवेलेंट है और किसी थर्ड स्पिन एक्टिव जो न्यूक्लियाई है उसके साथ सेम कपलिंग शो कर रहे हैं, इसलिए क्या भी करेंगे केमिकली इक्विवेलेंट एज वेल एज मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स करेंगे। ठीक है, देन ऐसे इसमें देखते हैं, देखिए इसमें है ये तीनों प्रोटॉन भी है, ये सिग्मा बॉन्ड के रिस्पेक्ट में रोटेशन होता है, तो ये तीनों केमिकल इक्विवेलेंट है लेकिन इन तीनों प्रोटॉन का एचबी प्रोटॉन के साथ जो एनवायरमेंट है एवरेज एनवायरमेंट क्या हो सिग्मा बॉन्ड के रिस्पेक्ट में इतना फास्ट रोटेशन होता है कि तीनों प्रोटॉन का एचबी प्रोटॉन के साथ एनवायरमेंट क्या हो एवरेज सेम हो जाएगा। तो इससे एच ए एच बी एस सी तीनों प्रोटॉन एचबी प्रोटॉन के साथ सेम कपलिंग शो करते हैं। ठीक है, इसलिए ये तीनों प्रोटॉन क्या हुए केमिकली इक्विवेलेंट भी हुए और मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट भी हुए। क्यों? क्योंकि एचबी प्रोटॉनों के साथ ये तीनों क्या करते हैं एवरेज सेम आपका क्या है कपलिंग कांस्टेंट एग्जिबिट करते हैं, क्योंकि एवरेज सेम एनवायरमेंट है तो कपलिंग भी आपका क्या होगा लगभग दोनों का सभी का क्या तीनों प्रोटॉन के द्वारा इनके साथ जो कपलिंग कांस्टेंट शो किया जाएगा वो सेम होगा। ठीक है, तो ये केमिकली इक्विवेलेंट एवरेज मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, देखिए इसमें छह प्रोटॉन है केमिकली इक्विवेलेंट है लेकिन क्या ये मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट भी होंगे? तो उसके लिए एक चीज तो आपको पहले ही क्लियर हो गया होगा कि भैया मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट क्या है, यदि हमने देखना है रिलेशनशिप देखना है कि प्रोटॉन आपस में मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट है कि नहीं है तो स्पिन सिस्टम तो होना चाहिए ना सिस्टम कंपाउंड के अंदर। ठीक है, जिनके साथ ये कपलिंग करेंगे वो प्रोटॉन तो हो, छह के छह सब इक्विवेलेंट है, कोई नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन होता तब हम देखते हैं ये उसके साथ सेम कपलिंग शो कर रहे हैं या डिफरेंट कपलिंग शो कर रहे हैं, तब जाकर के पता चलता है कि वो मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट है कि नहीं है। तो इस कंपाउंड के अंदर मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन नहीं होंगे। मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट होने के लिए कंपाउंड के अंदर केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में कोई नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन होना चाहिए जिसके रिस्पेक्ट में हम देखेंगे कि वो सभी प्रोटॉन सेम कपलिंग शो कर रहे हैं तो मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट है, यदि नहीं कर रहे हैं तो आपका मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट नहीं है। तो मेरे ख्याल से आपको इन एग्जांपल से आपको क्लियर होगा भैया कि केमिकली इक्विवेलेंट और मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट क्या होता है। ठीक है, जो प्रोटॉन मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट है 100% केमिकली इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, लेकिन जो प्रोटॉन केमिकली इक्विवेलेंट है कंपल्सरी नहीं है कि वो आपका आपस में मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट होंगे। ठीक है, तो ये एक स्टेटमेंट दिमाग में रखिएगा, ऑल द केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स आर नॉट नेसेसरली मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट बट ऑल द मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन आर नेसेसरली केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। ठीक है, इतनी बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ जाएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दो प्रोटॉन केमिकली इक्विवेलेंट है और किसी थर्ड नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन के साथ यदि सेम कपलिंग शो कर रहे हैं तो वो मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट भी हो गए, और किसी थर्ड प्रोटॉन के साथ सेम कपलिंग शो नहीं कर पा रहे हैं तो वो आपका क्या होगा मैग्नेटिकली नॉन इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है, बात समझ आ जाएगा, बहुत छोटा सा टॉपिक है भैया, बिल्कुल दो चार एग्जांपल के तो आप क्या है इस टॉपिक को बहुत इजीली समझ सकते हैं, तो कोशिश करें कि कुछ और एग्जांपल्स को लेकर के आप उन पे अप्लाई करके उनको प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।